तो देख सकते हो दोस्तों, पचौनी खाने के लिए लोग किस तरह भीड़ लगा चुके हैं। और ये देखिए पचौनी खत्म हो गया है, अभी 2 मिनट था, 2 मिनट में पचौनी तुरंत मुड़ी है। और पचौनी यहाँ पे देख सकते हैं, बगल में पचौनी देखने को मिलेगा। इस चीज को हमेशा लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये इतना सुंदर से बना के देते हैं ना, आप हाथ अंगुली चाट के खा दीजिएगा। हाँ, सारा चीज मिलता है, मोटा चमड़ा रहता है, पचौनी रहता है, गोड़ी मुड़ी रहता है, सब मिक्स रहता है, सब मिक्स रहता है। तो अभी देखा है, हाँ हाँ, जो पचौनी का टेस्ट ले चुका है वो चिकन नहीं खाए, चिकन कभी नहीं खाए। नहीं, अच्छा ठीक है भाई, ब्लेड से घुसा दिए यहाँ पे, और इस तरह से ब्लेड घुसा दिए, उसके बाद सारा इसका गंदा मटेरियल इसको निकाल दीजिएगा ना। उसे पूरा गंदा मटेरियल निकल जाएगा, तो गंदगी देख सकते हैं इस तरह से निकल रहा है दोस्तों। और इस तरह गर्म पचौनी को अच्छी तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पे घोड़ी मोड़ी पचौनी कलेजी पोटलेजी जितना भी होते हैं पचौनी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, जो काफी बढ़िया लग रहा है, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। तो बनने के बाद लोग काफी पसंद करते हैं इसे। जाएगा पानी जब तक सूखेगा तब तक इसको भूनते रहेगा, भूनते रहेगा। देख सकते सारा मसाला दोस्तों, देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से भुना जाएगा, पचौनी को गोड़ी को मोड़ी को जितना भी यहाँ पे डाला गया है भाई। देख सकते हैं भाई खचा खच यहाँ पे भीड़ लग चुका है यहाँ पे पचौनी खाने के लिए। और ये देख सकते हैं भाई पचौनी अभी इस तरह बन रहा है, और पचौनी में इसमें एक भी पानी नहीं डाला ना भाई। नहीं 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 डाले, एक भी नहीं डाली, नहीं डाली, मतलब पूरा भुंजा हुआ पचौनी का ही। तो पूरा भुंजा हुआ पचौनी देख सकते हैं दोस्तों, काफी सुंदर लग रहा है। और देखने में दोस्तों बाल चौनी बन के रेडी हो चुका है, उसके लिए देख सकते ये कटोरी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ एक कटोरी यहाँ पे पचौनी देखने को मिलता है, ये 30 रुपये में मात्र यहाँ पे कटोरी दिया जाता है। और ये देखते हैं लोग यहाँ पे लाइन लगा खड़े हुए हैं पचौनी खाने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों बहुत लाजवाब है। ग्रेवी कैसा है ये देखिए, ग्रेवी तो कहना ही नहीं है इसका। और देखिए भाई इस तरह से आपको भीड़ देखने को मिला, जो काफी लोग यहाँ पे हैं, सब हम लोग एक ही टीम के लड़का है, ये पूरा एक ही ग्रुप का आप लोग हैं। हाँ, हम लोग सब एक ही ग्रुप है, तो देख सकते हैं 8 से 10 लड़का यहाँ पे एक ही ग्रुप में आ चुका है खाने के लिए, और पचौनी खाने के लिए लोग देख सकते हैं इस तरह से भीड़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों रांची ब्लॉक में जब आ चुके हैं फिर से रांची, रांची रिंग रोड संग्रामपुर के सामने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो पोर्ट कलेजी और पचौनी और गोड़ी मुड़ी सबको मिला के यहाँ पे जो बनाया जाता है ना, वो वेराइटी वो काफी सुंदर रहता है दोस्तों। और हम फिर से आ चुके हैं झोपड़ी होटल, और झोपड़ी होटल में आज दिखाने वाले हैं जहाँ पे बनाया जाता है पचौनी मुड़ी गुड़ी और जितना भी यहाँ पे वेस्ट सामान है, जिसको हम लोग रोजाना खाते नहीं है उसको एक्चुअली फेंक देते हैं, पर इसे इतना अच्छा से बनाया जाता है और लोग के सामने इतना अच्छा से पेश किया जाता है, वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको गाड़ी का यहाँ काफिला आपको देखने को मिलेगा, ये गाड़ी का काफिला यहाँ पे एक्चुअली खाने के लिए पोर्ट कलेजी और पचौनी खाने के लिए यहाँ पे पूरा ललायत रहते हैं। चलिए यहाँ पे कैसे बनाया जाता है पोर्ट कलेजी पचौनी और जितना गुड़ी मुड़ी कैसे बनाया जाता है वो सारा कुछ दिखाने वाला है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो करते शुरू और दिखाते भाई यहाँ का पोर्ट कलेजी और पचौनी कैसे बनता है। अक्सर लोग इस चीज़ को फेंक देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये जितने भी गोड़ी है मुड़ी है और पचौनी यहाँ पे देख सकते हैं, बगल में पचौनी देखने को मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये इतना सुंदर से बना के देते हैं ना, आप हाथ अंगुली चाट के खा जाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कटिंग हो रहा है गोड़ी को और छोटे छोटे पीसेस में कटिंग। तो भैया ये फेंकने वाला चीज़ को आप बना के खिलाते हैं, मतलब कहाँ से आइडिया आया? आइडिया और कहीं जगह मिलता है, दारू दुकान वकान सब में मिलता है। अच्छा, लोग काफी पसंद करते हैं इसको। हाँ, काफी पसंद करते हैं, बड़ा चॉइस से खाते हैं। कैसे देते हैं ये? 30 रुपये प्लेट, 30 रुपये प्लेट, 30 रुपये प्लेट, मतलब कटोरी में रहता है पूरा। हाँ, कटोरी में रहता है। अच्छा, कटोरी में रहता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे गोड़ी को काटा जा रहा है और कितना बेहतरीन तरीकों से छोटे छोटे पीस में कटिंग कर दिया, देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा पीस रखते हैं चाचा यहाँ पे इस सब गोड़ी मुड़ी में? ये पैर है, ये पैर है ना, पैर, ये मुर्गी का पैर है। हाँ, मुर्गी का पैर है। और उसके बाद ये आपका कलेजी हो गया, ये कलेजी हो गया ना। हाँ, ये कलेजी हो गया, और ये पोट हो गया, ये पोट हो गया ना, और ये पचौनी हो गया। ये पचौनी इसी को काफी पसंद करते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, ये पचौनी खाने के लिए लोग आते हैं ना। हाँ, इसी का ही टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, पोट कलेजी तो हर जगह मिलता है, लेकिन पचौनी मिला के बनाते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है ना। तो पचौनी आदमी को हमेशा फेंक देता है, लेकिन आप इतना अच्छा से बना खिलाते हैं, लोग एकदम हाथ चाटे खा जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये सारा कुछ मिक्स रहता है इसमें? हाँ, सारा चीज मिलता है, मोटा चमड़ा रहता है, पचौनी रहता है, गोड़ी मुड़ी रहता है, सब मिक्स रहता है, सब मिक्स रहता है। हाँ। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये गोड़ी मुड़ी का सब कुछ कटिंग कर दिया है, पचौनी को भी अभी छिला जाएगा, और उसका अंदर के भाग को कैसे निकालेंगे वो आपको दिखाएंगे वीडियो में। और इसको बहुत बेहतरीन तरीकों से बनाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और हम लोग किसी को अगर खाना हो तो पोर्ट कलेजी पचौनी कितना बजे आना चाहिए? 1 बजे और 4 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक भी बनेगा? नहीं, 1 बजे एक बार बनता है और एक बार 4 बजे बनाते हैं। अच्छा, 2 बार बनता है, जो आधा घंटा में खत्म हो जाता है। आधा घंटा में खत्म हो जाता। तो भैया 1 बजे पूरा टाइमिंग में आइएगा तभी आपको पचौनी मिलेगा ना भैया? उसके बाद आइएगा तो फिर पचौनी नहीं मिलेगा, सिर्फ मुर्गा मिलेगा। तो देख सकते दोस्तों अभी पचौनी किस तरह से अभी खड़ा जाएगा वो अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई पचौनी आ चुका है, और इनका तरीका देख सकते हैं किस तरह आपको देखने को मिलेगा भाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी बेहतरीन तरीकों से, झारखंडी तरीकों से इसको, पूरा देहाती तरीकों से इसको फाड़ा जाएगा।
ये ब्लेड है ना चाचा? हाँ ब्लेड है ये। अच्छा ये ब्लेड है, तो ब्लेड से ही फाड़िएगा इसको? हाँ ब्लेड से ही फाड़ेंगे। ये देखिए भाई ब्लेड से घुसा दिए यहाँ पे, और इस तरह से ब्लेड घुसा दिए, उसके बाद सारा इसका गंदा मटेरियल इसको निकाल दीजिएगा ना। इसको पूरा गंदा मटेरियल निकल जाएगा, तो गंदगी देख सकते हैं इस तरह से निकल रहा है दोस्तों, और इस तरह गंदगी निकाल के फिर इसको अच्छी तरह साफ किया जाएगा ना भैया, अच्छा तरीके से धोएंगे इसको। ये भाई देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से भैया जी यहाँ पे ब्लेड को घुसा के यहाँ पे कटिंग कर दे रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पचौनी को इस तरह से निकाला जा रहा है, जो ब्लेड के सहारे से यहाँ पे ब्लेड से काटा जा रहा है, जो काफी बेहतरीन लग रहा भाई। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेड जा चुका है यहाँ पे पचौनी में, और पचौनी में जितना भी गंदा मटेरियल है सारा कुछ को निकाला जाएगा, उसके बाद अच्छी तरह से साफ किया जाएगा भाई। तो देख सकते हैं कहा ना, एक जरा सा भी फेंकते नहीं, कुछ नहीं फेंकते। ये देखिए भाई कितना बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे पचौनी को बनाया जा रहा है, जो काफी बेहतरीन लग रहा है, लोग यहाँ पे खाने के लिए अभी उमड़ पड़ते हैं, और इस तरह से साफ किया जा रहा है। चलिए फिर इसका बनाते हैं सारा कुछ, दिखाते हैं इनका मेकिंग कैसे बनाते हैं वो सारा कुछ दिखाने वाले दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पचौनी के साथ यहाँ पे मुर्गा मिलता है, जो यहाँ पे 60 रुपये में भरपेट खाना देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे अपने से लोग बांट के खाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ कटोरी में चला गया है यहाँ पे चिकन, और यहाँ पे चिकन खाने के लिए आपको इस तरह से भीड़ देखने को मिलेगा, पूरा यहाँ पे भीड़ आपको इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगा झोंपड़ी होटल में, और काफ़ी लोग यहाँ पे पसंद करते हैं और लोग खाते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं सारा टेबल फुल है भाई, कोई भी टेबल में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आदमी ना बैठा हुआ। देख सकते हैं भाई इस तरह से यहाँ पे भीड़ लगाए हुए लोग यहाँ पे खा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है भाई? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कितना दिन से खा रहे हैं आप? हम खा रहे वही 1-2 साल खा रहे हैं। अच्छा कहाँ से आए हैं खाने के लिए? हम लोग आए 15 किलोमीटर दूर से। अच्छा उतना दूर से आते हैं खाने के लिए? असल खाने के लिए इधर आ रहे हैं। कुछ काम करते हैं आप? कुछ काम वगैरह करते हैं? काम नहीं बस खाने के लिए आए। खाने के लिए आए, अभी क्या लिए हुए आप? अभी तो बस दाल और चिकन लिए हैं। चिकन लिए है ना, तो काफी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ये भी बंदा यहाँ पे खा रहा है। तो भाई कैसा लग रहा है खाने में? खाने में तो ठीक ही लग रहा है। अच्छा तब हाँ। कितना दिन से खा रहा है? हम भी 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से आ रहा हाँ। तो है कितना प्लेट खा लेता है खाना? हम 2-3 प्लेट मार लेता है। 3 बार मार देते हैं। 3 बार? ओ भाई कहाँ से आया खाने के लिए? 3 बार दुर्वा से आए हैं। पूरा पैसा वसूल? पूरा पैसा वसूल। दुर्वा से खाने के लिए यहाँ पे भाई आया है ना? यस। जितना मर्जी उतना खा सकते? जितना मर्जी उतना। अच्छा अभी जितना मर्जी उतना खा लेते हैं भैया? अच्छा कितना खा लेते हैं आप? हम आए 3+। 3 प्लेट खा लेते हैं? पूरा पैसा वसूल कर लेते हैं ना भैया? पूरा पैसा 60 रुपया वसूल। 60 रुपया पूरा वसूल? आप पूरा दबा खाते हैं ना भैया? आप कहाँ से आए? हम आए हैं मेहमान आए हैं भेड़ो से आए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अभी पचौनी के लिए प्याज वगैरह कटिंग कर दिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में प्याज को इधर छिला गया है, उसके बाद इधर कटिंग के छोटे छोटे पीस में कटिंग कर दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं काफी शानदार यहाँ पे कटिंग हो रहा है भाई, देखिए। ये देखिए दोस्तों अभी पोर्ट के लिए जो पचौनी की तरफ धोया जा रहा है, काफी फ्रेश यहाँ पानी में 2-3 पानी में धोया जाएगा भाई, देख सकते हैं यहाँ पे काफी रगड़ के भैया जी धो रहे हैं। कितना पानी धोते हैं भैया इसको? उसको 3 बार धोएंगे। 3 बार धोते हैं ना, ये पहला बार है ना? ये पहला बार। ये देख सकते हैं भैया यहाँ पे इस तरह से धो रहे हैं, जो काफी लाजवाब लगता है भाई। ये पचौनी खाने में आदमी लोग यहाँ पे लाइन लगाते हैं, एडवांस में पचौनी का मांग होता है, और भैया जी इस तरह से धो रहे हैं, देख सकते हैं आप पचौनी धोवा के इस तरह से रखा जा रहा है। यहाँ पे क्या क्या रहता है पोर्ट कलेजी? और पोर्ट कलेजी गोड़ी मूड़ी मोटा चमड़ी सारा कुछ रहता है, कुछ रहता है। वेस्ट मेटल जितना रहता है वो सारा कुछ है ना भैया? तो देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करके जो इसको धोया जा रहा है, जो काफी फ्रेश यहाँ पे धोया जा रहा है, देख सकते हैं भाई। देख सकते हैं भैया जी अभी पचौनी को धोने के लिए, अब देख सकते हैं पानी वगैरह यहाँ पे इस तरह आपको देखने को मिलेगा, जो काफी शानदार लगा। ये देखो ये पचौनी चला गया टब में, और इसको फ्रेश से पूरा धोएंगे, 2-3 पानी में इसको धोया जाता है, तब पचौनी को अच्छी तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पे गोड़ी मोड़ी पचौनी कलेजी पोट कलेजी जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा कुछ यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से फ्रेश से धोया जा रहा है, देखिए ये देखिए काफ़ी फ्रेश से इसको धोया जा रहा है, तो काफ़ी शानदार लग रहा है। इसको रगड़ रगड़ के धोते ना भैया? रगड़ के धोने में पूरा फ्रेश हो जाता है, पूरा फ्रेश हो जाता है ना। पचौनी में थोड़ा गंदा फंदा रहता है, तो ऐसे जैसे तैसे धो देने से थोड़ा अच्छा खराब भी लगेगा खाने में फिर, ताकि हम लोग भी खाते हैं ना। अच्छा आप लोग भी खाते हैं ये सब? पसंद जब तक ही रहेगा तब तक मिठाई भी नहीं करते हैं हम लोग कोई भी, जितना ही है हम लोग का स्टाफ है, हम लोग घर का आदमी जितना ही है सब पचौनी खाना पसंद, पचौनी खाते हैं। क्या बात करते हैं, पूरा स्टाफ यहाँ पे पचौनी खाने का दीवाना है भाई, जितना भी यहाँ पे काम करते हैं भैया ना, उनका जितना भी स्टाफ है पचौनी खाता है, उस चिकन तो खाता ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का जितना भी पचौनी पोर्ट कलेजी यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, जो काफी
ये देखिए भाई, लास्ट टाइम अभी तीन टाइम में धोया गया, उसके बाद कितना फ्रेश लग रहा है ये इसमें पोट कलेजी। और ये देख सकते हैं पचौनी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, सारा डाल दिया ना चाचा, देख सकते हैं यहाँ पे गरम गरम तेल यहाँ पे आ चुका है भाई और कढ़ाई में। और यहाँ पे देख सकते चाचा बनाने वाले हैं अभी हम पचौनी, और पचौनी को ये क्या डाल दिए, खड़ा मिर्च डाल दिया, फोरन डाल दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों अभी लाल मिर्चा का फोरन डाल दिया है और तेल यहाँ पे डाला चुका है। ये देखिए भाई प्याज जा रहा है और प्याज वगैरह डाला चुका है, उसके बाद फिर यहाँ बनने वाला है पचौनी। ये देखिए प्याज डाल चुका है भाई, मैं कितना के जी प्याज डाल दीजिए, क्या चीज प्याज कितना के जी डाल दूँ, उतना होगा आधा के जी, अच्छा जितना मैं बन जाए उतना बना दूँगी ना। तो यहाँ पे प्याज डाल चुका है, कोयले की आँच में पूरा बनाया जा रहा है पचौनी को, और देखिए इस तरह से भीड़ आपको देखने को मिलेगा, इधर पचौनी बनने वाला है, इधर देख सकते चिकन बन रहा भाई, और बगल में है पचौनी, उसके बगल में इधर देख सकते चावल बन रहा है, और यहाँ पे चूल्हा कभी खाली नहीं रहता, तीन चूल्हा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तीनों चूल्हा में कुछ ना कुछ चढ़ा रहता है। ये देखते हैं मसाला आ चुका है, और ये मसाला आपको क्या क्या इसमें क्या क्या है, अदरक है, हरा मिर्च है और लहसुन है, ये मसाला जाएगा ना। हाँ। तो मसाला को भी भूंजिएगा ना भैया। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे मसाला को भूनने के लिए तैयारी किया जा रहा है, ये देखते हैं मसाला जा रहा भाई, ये मसाला जा चुका है, उसके बाद मसाला को अच्छी तरह से भुना जाएगा, और ये जितना भी रहा मसाला था घर का मसाला रहता ना भैया, घर का मसाला, यहाँ देख सकते हैं मसाला को इस तरह से भुना जा रहा है, लगभग कितना मिनट तक इसको भूनिएगा, पाँच छः मिनट तक इसको भूंजिएगा ना, जैसा ताव रहेगा ज़्यादा ताव है जल्दी हो जाएगा, अच्छा जल्दी हो जाएगा अगर ताव ज़्यादा रहेगा तो ना। देख सकते हैं यहाँ पे पचौनी के लिए यहाँ पे मसाला को तैयार किया जा रहा है, और मसाला कम से कम पाँच से छः मिनट तक भूंजा जाएगा, और देख सकते हैं अभी भात भी डबक रहा भाई, और दो तीन डब्बा यहाँ पे निकल चुका है चावल, उसके बाद फिर यहाँ पे चावल इस तरह बन रहा है, और बगल में देख सकते चिकन आपको कितना लगा देखने को मिलेगा, अभी चिकन इधर बन रहा है, मसाला के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूना जा रहा है। चावल कितना बन जाता है एक दिन में, एक क्विंटल चावल बन जाता है ना, 70-80 के जी चिकन, हाँ 70-80 के जी चिकन और एक क्विंटल चावल, और पचौनी जितना 70-80 के जी का निकला वो पचौनी, तो पचौनी लगभग 15-20 किलो हो जाता होगा ना, 15 किलो पचौनी आ जाता होगा ना। तो देख सकते अभी पचौनी यहाँ पे भूनने वाला है भैया, वो दिखाएंगे कितना बेहतरीन तरीके से भून रहे हैं भाई, तो देख सकते पचौनी का भी अच्छी तरह से डला जाएगा। ये देखिए भाई पचौनी जा चुका है कढ़ाई में, ये शानदार आप पचौनी देखने को मिलेगा जो काफ़ी शानदार लग रहा है, इसको करीब यहाँ पे आधा घंटा तक भुना जाएगा, और भुजा हुआ पचौनी लोग काफ़ी पसंद करते हैं ना भैया, जी चिकन से ज़्यादा पसंद इसको करते हैं, इसी खाते हैं, अच्छा तो अगर पचौनी को सामने रखा दिया जाए और चिकन को सामने, जो पचौनी खा चुका है, हाँ हाँ जो पचौनी का टेस्ट ले चुका है वो चिकन नहीं खाए, चिकन का भी नहीं खाया, नहीं खाया, अच्छा तो यहाँ पे चिकन से ज़्यादा पसंद पचौनी करते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे पचौनी आ चुका है और इसको अच्छी तरह से भुना जा रहा है मसाला के साथ, करीब इसको कितना मिनट तक टाइम कितना लगा, 15-20 मिनट से ढक देंगे, 15-20 मिनट में ढक देंगे, बन के कितना मिनट में रेडी हो जाता है, ये आधा घंटा में हो जाएगा। अच्छा किसी को पचौनी खाना है तो लोकेशन बता दीजिएगा, हाँ बता देंगे, लोकेशन बता दीजिए अपना, ये मदरा मुंडा स्टेडियम पतरातु, हाँ हाँ उससे पश्चिम तरफ आना है कम से कम हाफ किलोमीटर, अच्छा सगरामपुर बस्ती है, सगरामपुर रोड, रिंग रोड, रांची रिंग रोड, रांची रिंग रोड सगरामपुर बस्ती में आना पड़ेगा भाई, जहाँ पे आपको पचौनी खिलाया जाता है और यहाँ पे अनलिमिटेड चावल खिलाया जाता है। पचौनी कैसे देते हैं, सो बताइए, पचौनी भी 30 रुपया प्लेट, 30 रुपया प्लेट, 30 रुपया में पूरा एक कटोरी देते हैं, तो 30 रुपया में यहाँ पे देख सकते हैं पचौनी देखने को मिलेगा, चावल भी कितना मिलते हैं, चावल भी 30 रुपया, चिकन भी 30 रुपया, 30 रुपया, तो जितना मर्जी उतना खा सकते हैं, पचौनी 30 रुपया में लो भाई, और जितना मर्जी चावल खा सको खा लो, हाँ अगर आपको किसी को अगर अच्छा लगा पचौनी फिर दोबारा ले रहा है तो उसका पैसे लेते हैं, अच्छा दोबारा अगर दो बार पचौनी अगर लेना चाहेगा तो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, 30 रुपया प्लेट आपको पचौनी देना मिलेगा ना, हाँ चिकन हुआ या पचौनी हुआ जो भी अपना अगर जिसको अच्छा लगा वो खा रहा है तो एक्स्ट्रा मांग रहा है तो उसका पैसा अलग से लगेगा, खाना तो जितना खा सकते हैं, अच्छा खाना जितना मर्जी खा सको, मतलब 5 प्लेट भी खाएगा तो 5 प्लेट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा 3 प्लेट 4 प्लेट 5 प्लेट जितना मर्जी खा सकते, ज्यादातर तो लेबर कोई लोग खाते हैं ना, और लोग पेट दबा कर खाता है, मेरा वही रूल है अगर अभी से खा बैठेगा शाम तक दिन भर खा देगा, दिन भर खिलाते रहेगा, लेकिन एक बैठक में खाना होगा, ये नहीं कि भाई खा कुट लिया थोड़ा धोवा लिया इधर घूम लिए, पूरे दिन भर अगर खाते हो दिन भर खिलाते रहेंगे, कितना खाएगा आदमी खाना, 3 प्लेट 4 प्लेट खाएगा उससे ज्यादा थोड़ी खाएगा, नहीं सही बात, ये जितना भुजाना था उतना भुन चुके हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे मसाला जाने वाला ना भैया, जो हमारा ये पोट कलेजी गोड़ी मुड़ी जो है वो भी सीज गया है, अच्छा ये सीज गया है, उसके बाद इसको मसाला के साथ फ्राई कीजिएगा, हाँ मसाले के साथ इसको भूजेंगे, अच्छा ये क्या डाल दिए, ये अभी जीरा गोलकी और धनिया का पेस्ट, ये जीरा गोलकी का देख सकते हैं यहाँ पे मसाला जा रहा है, इसका देख सकते हैं यहाँ पे ये मसाला आपको देखने को मिलेगा, पाउडर जा रहा है जीरा गोलकी का, जितना मिक्स पाउडर है वो सारा कुछ जा रहा है,
जो काफी शानदार लग रहा है, और जो पचौनी और चिकन के साथ, पचौनी चिकन के साथ बहुत ही बेहतरीन लगता है। हल्दी है ये क्या डाल दें भैया? हल्दी हल्दी हल्दी। अच्छा ये हल्दी डाल दी ना, ये ऊपर से ज्यादा स्वाद अनुसार हल्दी डाल दी ना भैया, कलर 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 आ जाए पचौनी में। देख सकते हैं मसाला वगैरह सारा कुछ जा रहा है भाई, जो काफी सुपर लग रहा है, देखने में भी काफी शानदार लग रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मिर्च पाउडर है, ये कौन सा पाउडर है भैया? लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर। ये देखते हैं लाल मिर्च पाउडर जा रहा भाई, एक कलर लाने में काफी अच्छा लगता है ना, पचौनी अच्छा दिखने लगेगा इस पाउडर डालने के बाद। देख सकते हैं कलर के लिए यहाँ पे इस मिर्च को डाला जा रहा है, जो काफी सुपर लग रहा है, चिली पाउडर। उसके बाद इसको मसाला के साथ कितना मिनट तक भूनेगा? हाँ, जो इसमें थोड़ा पानी है वो सूख जाएगा, पानी जब तक सूखेगा तब तक इसको भूनते रहेगा, भूनते रहेंगे। देख सकते हैं सारा मसाला जा चुका है दोस्तों, देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से भूना जाएगा, पचौनी को, गोड़ी को, मूड़ी को, जितना भी यहाँ पे डाला गया है भाई, ये इसको अच्छी तरह से भूना जाएगा। तो लगभग देख सकते हैं इस तरह से देखने को मिलेगा, जो काफी शानदार लग रहा है, सुपर टेस्टी लग रहा है भाई। देख सकते हैं जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक भूनते रहेगा ना, भूनते रहेंगे। ये देख सकते हैं भाई पचौनी अभी इस तरह बन रहा है, और पचौनी में इसमें एक भी पानी नहीं डालना भैया? नहीं 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 डाले, एक भी डाल लिया, एक नहीं डालेंगे, मतलब पूरा भूंजा हुआ पचौनी का ही। तो पूरा भूंजा हुआ पचौनी देख सकते हैं दोस्तों, काफी सुंदर लग रहा है और देखने में काफी लाजवाब लग रहा है भाई। देख सकते हैं यहाँ पे बिना पानी का यहाँ पे पचौनी आपको भूंजा हुआ सिर्फ मिलेगा, और इसको पूरा भूंज के ही फिर आदमी को देते हैं ना भैया? हाँ, भूंज के। स्वाद अनुसार क्या डाल दिए भैया? नमक दे रहे हैं, स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए भैया, और जितना स्वाद अच्छा आना चाहिए उसके अनुसार यहाँ पे नमक डाल दिया गया है, जो काफी सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं ये देखिए भाई, अब पचौनी, गोड़ी, मुड़ी जितना भी है सब लगभग भूंजा चुका है, और कितना मिनट लगेगा इसको भूनने? बस हो गया है, ये हो गया ना, थोड़ा सा नमक मिल जाए, मिल जाए, बस हो गया, पाँच मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा ना भैया? पाँच मिनट नहीं लगेगा, दो चार मिनट, दो चार मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। देखिए भाई कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे, और इस तरह से भैया जी यहाँ पे बनाते हैं पचौनी। अगर आपको आना भैया पचौनी खाने तो संग्रामपुर आ जाइए, रिंग रोड, रांची का रिंग रोड संग्रामपुर, जहाँ पे मिलेगा 30 रुपये में आपको यहाँ पे प्लेट, यहाँ पे पचौनी जो काफ़ी शानदार रहता है, पूरा भर प्लेट देते हैं ना भैया? ये देखिए भाई कितना सुंदर लग रहा है, कितना लाजवाब लग रहा है पचौनी। अभी से ऑर्डर आ गया ना पचौनी का? अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे बनने से पहले ऑर्डर आ जाता है पचौनी का, और पचौनी अब मुझे लगता है आधा घंटा में खत्म हो जाता है ना भैया? आधा घंटा में खत्म, आधा घंटा में खत्म कर देते हैं पचौनी। तो इतना शानदार यहाँ पे पचौनी बनाया जा रहा है, और भूंजा हुआ पचौनी खाने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ पड़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हो गया, ये पचौनी बन के रेडी हो चुका है, और देख सकते चूल्हा से निकल चुका है तो पचौनी बन के रेडी हो चुका है। उसके लिए देख सकते ये कटोरी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ एक कटोरी यहाँ पे पचौनी देखने को मिल रहा है, ये 30 रुपये में मात्र यहाँ पे एक कटोरी दिया जाता है, और ये देखते हैं लोग यहाँ पे लाइन लगा खड़े हुए हैं पचौनी खाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, तो देख सकते हो दोस्तों पचौनी खाने के लिए लोग किस तरह भीड़ लगा चुके हैं, और ये देखिए पचौनी खत्म हो गया भाई, अभी 2 मिनट था, 2 मिनट में यहाँ पे पचौनी तुरंत खत्म हो गया, और इस तरह से लाइन लगा रहे हैं पचौनी के लिए। देख सकते हो दोस्तों, और पचौनी की क्या मांग है भाई, देख सकते सुपर यहाँ पे पचौनी इस तरह से बिकता है भाई। ये देखिए सारा लाइन लगा के यहाँ पे पचौनी को ले रहे हैं भाई, और 2 मिनट में यहाँ पचौनी हो गया खत्म, इसलिए पचौनी लिमिट बनता है। देख सकते हैं भाई खचाखच यहाँ पे भीड़ लग चुका है यहाँ पे पचौनी खाने के लिए, और इस तरह से आपको भीड़ देखने को मिलेगा भाई। लोग जानते हैं आखिर कैसा लगा भाई, कैसा लगा पचौनी खाने में, कैसा लगा? बहुत मस्त है भैया। अच्छा कहाँ से आएगा जवाब है? हम लोग डेली आते हैं, डेली हम लोग आते हैं, 60 रुपये में अनलिमिटेड खाना खाते हैं, हम लोग ड्यूटी आवर में आते हैं और यहाँ खाना खाते हैं। कितना प्लेट खाना खा लेते हैं हम लोग? 10-12 लड़का आते हैं, एक ग्रुप में बैठ के खाते हैं। एक बार में आप कितना प्लेट खा लेते हैं? एक बार में हम लोग एक प्लेट ही खा पाते हैं। एक ही प्लेट खाते हैं ना, जितना पेट रहेगा उतना ही ना खाएंगे भैया। अच्छा कहाँ से लाए आए आप लोग? हम लोग रांची से आए हैं, रातू रोड से। अभी क्या मंगाए हैं आप? अभी हम लोग चिकन है, और ये मिक्स वाला है पचौनी। पचौनी पचौनी कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा? बहुत लाजवाब है। ग्रेवी कैसा है? ये देखिए ग्रेवी तो
कहना ही नहीं है इसका। और देखिए भाई, इस तरह से आपको भीड़ देखने को मिला, जो काफी लोग यहाँ पे हैं, सब हम लोग एक ही टीम के लड़का हैं। ये पूरा एक ही ग्रुप का आप लोग हैं? हाँ, हम लोग सब एक ही ग्रुप है। तो देख सकते हैं 8 से 10 लड़का यहाँ पे एक ही ग्रुप में आ चुका है खाने के लिए, और पचौनी खाने के लिए लोग देख सकते हैं, इस तरह से भीड़ आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं भाई साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या लिए हुए हैं, पचौनी वगैरह लिए हैं? पचौनी अभी मंगवाए हैं। पचौनी मंगवाए हैं, कैसा लगा? टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट एक नंबर है। तो मैं जीता मंगवाया। तो देख सकते हैं भाई, अभी देखने को मिलेगा, और काफी भीड़ यहाँ पे देखने को मिला, जितना भी सपाटी है, पूरा 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 एक ग्रुप है हम लोग, पूरा ग्रुप में आके यहाँ पे खा रहे ना भैया? बहुत मजा आता है। 60 रुपया में एकदम भरी पेट एकदम खा पी के। कितना प्लेट खा लेते हैं भैया? पेट के हिसाब से एक प्लेट ऐसे खा लेते हैं। अच्छा, शरीर से तो लग रहा है 2-3 प्लेट मार देते होंगे। देखिए, कुछ जो दिखता है वो कभी कभी होता भी नहीं। अच्छा, सही बात है। देख लीजिए, 3 प्लेट लपेट देगा। मनीष जी है, देखिए देखिए मनीष जी, वो लगभग 2-3 प्लेट खा, 2-3 प्लेट मार लेते हैं भैया। क्या जबरदस्त मारना पड़ेगा। और ये आप कितना प्लेट मार लेते हैं भैया? 5-6 लपेट देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह आपको देखने, इतना भीड़ आपको देखने को मिलेगा, सारा टेबल में आप फूल आपको देखने को मिल रहा है भाई। आपको कैसा लग रहा भैया? खाना बहुत लाजवाब यहाँ मिलता है। अच्छा, 60 रुपया में अनलिमिटेड चावल खाइए, चिकन खाइए, चिकन और चावल मिला के 60 रुपया ही आपको लगेगा। मतलब 30 रुपये प्लेट आपको यहाँ पे चावल, 30 रुपये प्लेट चिकन, चिकन भर पेट खाइए अनलिमिटेड। पोर्ट के लिए भी 30 रुपया ना भैया? 30 रुपया। तो ये देखिए शानदार, हम लोग का पूरा ग्रुप है, हम लोग को जब भूख लगता है हम लोग यहीं आते हैं। अच्छा, यहीं आते हैं, अगल बगल कहीं नहीं जाते। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? हम लोग सब सेल्समैन है, पेप्सी का। पेप्सी का सेल्समैन? हाँ। अभी पेप्सी वगैरह पूरा शानदार बेच रहे हैं ना भैया? अभी हम लोग का सीजन है, अभी हम लोग का बोलबाला है, तो भूख तो लग ही जाएगा, मार्केट में रहते रहते तो हम लोग यहीं पे आके खाना खाते हैं। अच्छा, तो रांची से ही है? सब अगल बगल में ही है, सब सब अगल बगल के। देहाती स्टाइल में खाना खिलाया जाता है। अच्छा, चौकी ग्रेवी तो काफी शानदार रहता होगा? ग्रेवी बहुत शानदार रहता है, पूरा माहौल बना हुआ है, पूरा चौकी है, कुर्सी लगा हुआ है, आराम से यहाँ पे खाया जाता है। झोपड़ी होटल में इस तरह से बनाया जाता है, जो काफी बेहतरीन रहता है। और ये देखते हैं आ चुका हमारा ये एक प्लेट चावल, और यहाँ का क्या है ना भाई, 30 रुपया मगर इतना एक प्लेट यहाँ पे देख सकते हैं, एक पूरा कटोरी में पूरा भरा हुआ है। थोड़ा सामने से दिखाइए भैया किस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक कटोरी पूरा भरा हुआ है, 30 रुपया का देखने को मिलेगा भाई। और ये एक प्लेट चावल जो काफी किफायत और सस्ता आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसे ट्राई करते हैं और बताते हैं कि भाई यहाँ सच में कितना टेस्ट लगता है। और चिकन के साथ यहाँ पे जो मिलता है भाई आपको यहाँ पे ऑर्डर में, यहाँ पे पचौनी वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा, जो काफी लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसे खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं आखिर कैसा लगता है भाई। लाजवाब भाई, ये चिकन को भी फेल कर दिया भाई, चिकन के सामने ये पोर्ट लीजिए, सुपर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कलेजी आ चुका है और हम लोग कलेजी टेस्ट करने वाले हैं। कलेजी को काफी अच्छी तरह से भूंजा गया है, और मसाला का टेस्ट जो आ रहा ना भाई, वो काफी शानदार लग रहा है, सुपर लग रहा भाई, मानना पड़ेगा। तीस रुपया में आपको इस तरह खाना मिल रहा भाई, रांची में कहीं नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे झोंपड़ी होटल में मिलता है। 30 रुपया में एक प्लेट यहाँ पचौनी और भर पेट खाना, जितना मर्जी उतना खा सको भाई, 3 प्लेट 5 प्लेट जितना मर्जी एक बैठा में खाना भाई, ये यहाँ पे शर्त है। काफी शानदार लग रहा है, ग्रेवी और भी काफी लाजवाब है भाई, और सब्जी वगैरह दाल भी काफी शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो काफी बेहतरीन लग रहा है। लेकिन पचौनी आपको 1 से 1.5 बजे तक, मतलब आधा एक घंटा में यहाँ पचौनी सारा खत्म हो जाता है, यहाँ पे इतना मांग रहता है पचौनी का और पोर्ट कलेजी का, यहाँ पे आधा घंटा में पचौनी और पोर्ट कलेजी सारा खत्म हो जाता है। चलिए फटाफट खा करते खत्म। आप लोग को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता दें, वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक करेगा, चैनल में पहली बार आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस तरह वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और फटाफट देख सकते हैं यहाँ पे चिकन को और यहाँ पे उसको खा खत्म करेंगे भाई, क्योंकि भूख काफी तेज लग चुका है। अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।